hello students how are you all good morning i hope everyone is doing well students uh, today uh, i am going to teach you chapter 4 saturdays are fun so take out of your workbook page number 19 in this uh, chapter name is saturdays are fun uh, in this chapter we will learn uh, what is the importance of cleanliness. Uh, how can we help our elders? i am divya. today is saturday. we clean our house on saturday. i put my books and toys on the shelf. i put my dry clothes in the cupboard. इस चैप्टर में छोटी सी मतलब एक बच्ची होती है कि जिसका नाम दिव्या होता है वो बत, बोलती है कि टुडे इज सैटरडे आज सैटरडे है वी क्लीन आवर हाउस ऑन सैटरडे हम अपने घर को सैटरडे को साफ करते हैं क्लीन करते हैं आई पुट माई बुक्स एंड टॉयज ऑन द शेल्फ मैं अपने बुक्स और टॉयज जो है वो शेल्फ में रखती हूँ आई पुट माई ड्राई क्लोथ्स इन द कबर्ड मैं अपने ड्राई क्लोथ्स हैं वो कबर्ड में रखती हूँ फादर क्लीन द टेबल्स एंड चेयर्स पापा जो है टेबल और चेयर क्लीन कर रहे हैं मदर cleans द किचन मम्मी जो है किचन साफ़ कर रही है मदर एंड आई वॉश द डोर्स एंड द विंडोज मैं और जो माँ हैं वो विंडोज जो है साफ़ कर रहे हैं डोर्स साफ़ कर रहे हैं फादर क्लीन द फ्लोर विथ अ मॉप और जो फादर हैं पापा जो हैं वो मॉप से फ्लोर साफ कर रहे हैं कैन यू हेल्प मी क्लीन द फ्लोर आस्त फादर क्या तुम मेरा फ्लोर क्लीन कराने में हेल्प करोगी फादर ने पूछा यस आई से हाँ मैंने कहा आई हेल्प हिम आई डांस एंड स्लिप ऑन द वेट फ्लोर मैंने उनकी हेल्प की और मैंने डांस किया तो मैं जो वेट फ्लोर था उस पर गिर पड़ी वी लाफ एंड क्लैप मैं हंसी और और क्लैप किया क्लीनिंग इज़ फन सैटरडेज आ फन तो क्लीनिंग जो है एक तरह का फ़न है सैटरडेज जो है वो एक तरह का फ़न है तो वी शुड टेक इंस्पिरेशन टू दिव्या हाउ कैन शी हेल्प एल्डर्स और जिस तरह से दिव्या अपनी एल्डर्स की हेल्प करती है अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है उस तरह से हर बच्चे को अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए और क्लीनिंग है वो एक फ़न है क्लीनिंग क्लिनिंग फन और हमें पता होना चाहिए कि वाट इज़ द इम्पोर्टेंसी ऑफ क्लिनिंग क्लिनिंग जो है जो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट uh, पार्ट है इसलिए क्लिनिंग के लिए एक अलग ही वैल्यू होती है <coughs> और सफाई जो होती है क्लिनस जो होती है उससे हम जो डिजीज़ हैं उनसे भी दूर रह है सकते हैं खास तौर पे और इसलिए हमें अपने एल्डर्स की अपने बड़ों की अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए और जिस तरह से दिव्या हेल्प करती है उसी तरह से अपने हॉली हौले, अपने हॉलीडे को भी फ़न बना सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय